राम राम भैया, मेरा नाम है भूपेश प्रताप सिंह और आप देख रही हो Time 24 News। आज से हमने कर दी है अपने प्रोग्राम की शुरुआत। का हाल है भैया, का हाल है भैया में हम पता करेंगे कोरोना में कैसो रहो लोगों को हाल, कैसो चलो व्यापार, कैसे कटो इनको टेम, या ये पता करने आज, क्योंकि हम पहुँचे कार्यक्रम को पहले दिन है तो अच्छी और शुभ जगह पर पहुँचना हो। पहुँच गए हैं हम गंगा घाट पर, ब्रज घाट पर पहुँचे हैं और गंगा मैया को आशीर्वाद लेके प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और लोगों से करेंगे बात। जल्दी आ जाओ पीछे पीछे। क्या हाल है भैया, कैसा है घाट घाट का पानी, ये जानने के लिए Time 24 News की टीम सबसे पहले एक घाट पर ही जा पहुंची। वो घाट जो यूपी के जनपद हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में स्थित ब्रजघाट के नाम से जाना जाता है। तस्वीरें आपको बता ही रही होंगी कि कोरोना काल ही सही, मगर फिर भी यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बढ़िया चाट और शानदार ठाट की व्यवस्था है। मशहूर कचौड़ी है, चाट पकौड़ी है, मशहूर पेड़ा है, हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ चाय चुस्की लेकर अंग्रेजों को भारत से भगाने वाले क्रांतिकारियों की क्रांतिकारी चाय भी मौजूद है। ये ज़रूर मजाक था, मगर ये सच है कि आज़ादी की 3 साल बाद यानी 1950 से पंडित जी का परिवार यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिट्टी के कुल्हड़ वाली शानदार चाय पिलाता है। ज़माना भले बदला हो, मगर ना तो इनकी चाय का आज तक स्वाद बदला और ना ही इनका व्यवहार। अगर आप अब तक यहां नहीं पहुंचे तो अब ज़रूर पहुंच जाना। हमारी टीम सबसे पहले यहाँ के मशहूर हलवाई के यहाँ जा पहुँची, जहाँ ऐसे बहुत से लोगों से टीम ने मुलाकात की जिन्हें देखकर एहसास हुआ कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान घर में खुद को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये लोग बाहर के खाने का जमकर स्वाद लेते नजर आ रहे थे। जब इन लोगों से बात की गई तो हर भाई साहब का अपना ही जवाब था, हमसे मत पूछिए, आप खुद ही सुनिए। भैया, जब ब्रजघाट कोई आदमी आवे तो यहाँ की कचौड़ी खाए बिना उजावे ना है। हमें जो बताई कि राजू मिष्ठान भंडार पे कचौड़ी सबसे बढ़िया मिले, जब गंगा नहाने आओगे तो तुम भी यहाँ कचौड़ी खाओगे। एक बार देख लो पहले कितने लोग हैं मौजूद हैं और कचौड़ी खा रहे हैं। यहाँ की कचौड़ी जो है वो बहुत फेमस है। बात करते हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं आदमी, क्या नाम है तब आपको? रामेश्वर दास शर्मा। कहाँ से आए तो? मलियाना मेरठ से। मेरठ से आए, कचौड़ी चल रही है? हाँ जी। कोरोना में कैसो चल रहा है? कोरोना में ठीक चल रहा है। क्या काम करो? खेती करते हैं। खेती को सही चल रहा है, धान वान ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया खड़े हैं। कचौड़ी कैसी है? बढ़िया है, बहुत अच्छी है। हर बार आओ, जब खा के जाओ यहाँ पे। हाँ जी, गढ़गंगा पे जब भी आते हैं राजू के यहीं पर खा के जाते हैं। कितने सालन से आ रहे हो? हम करीब आ रहे हैं ये 50 साल से। 50 सालन से आ रहे हैं। हाँ जी। और भी हैं, और बात करते हैं, आ जाओ। क्या नाम है तब आपका? नरेश चंद गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आए हो आप? मलियाना मेरठ से। अच्छा, मेरठ से आए हो। कितने दिन हो गए आते आते हैं? जब से पैदा हुआ जब से आ रहे हैं जी। जब से पैदा हुआ जब से आ रहे हैं जी। जब से आ रहे हो, जब इधर कचौड़ी भी खा रहे हो? हाँ जी, जब से इसकी दुकान खुली है राजू की, यही खाना ही खाते हैं। तो कितनी कचौड़ी खा लो? 4। अब पहले कितनी खावे? तो पहले भी 4 ही खाओगे। बढ़िया बननी है? हाँ, कचौड़ी बढ़िया बनती है, इसलिए मुझे यहाँ खाए। तो भैया देख लें, यहाँ कचौड़ी इनको स्वाद है और भी यहाँ लोग पतो कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, कहाँ पे आए हो? मलियाना। कहाँ से? मलियाना मेरठ। सब मेरठ से ही आए हैं? ज़्यादातर जो भैया हैं यहाँ मेरठ से ही हैं, बाहर से भी और लोग भी हैं भैया यहाँ। क्या नाम भैया? अनुज। भारत कहाँ कहाँ से आए अनुज भाई? मोदीनगर। मोदीनगर से। तो जब आओ यहाँ पे कचौड़ी खा के जाओ हर बार। बिल्कुल भैया, बढ़िया कचौड़ी है। कब से आ रहे हो? आज ही आए हैं तो। हाँ तो आज ही आए हैं।
अच्छा आज ही आए हो। कोरोना में कैसे चल रहा हाल चाल? सब बहुत बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया, क्या काम चल रहा? काम तो चल ही रहा है, काम तो कर रहे हैं, काम चल रहे हैं, काम को रुक रहा है जी, काम चल रहे हैं ना। लोग कह रहे हैं कि जी कोरोना में नौकरी चली गई है को वो है को, विपक्ष ने हल्ला मचा रखा है। नहीं, जिनके साथ दिक्कत है उनके साथ दिक्कत भी है, ऐसा नहीं है। जिनके काम चल रहे हैं काम चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ। तुम्हारा क्या काम है, क्या काम करो भैया? मेरा मेरी शॉप है खुद की, क्राफ्ट मटेरियल की, चाइना से इम्पोर्ट होता है सारा माल। लॉकडाउन में कैसे हालात रहे? लॉकडाउन में हलवाई बने आप भी? लॉकडाउन में लोगों ने अपने अपने घर खाना बनाया हो भैया? बनना बिल्कुल बनाया है, जब बनाएंगे तभी तो खा पाएंगे। शादीशुदा हो? तो बीवी को बना के खिलाया खाना? ऐसा तो नहीं हुआ, बनाया था। और कहाँ से, और आप कहाँ से आए हो? मैं भी मोदीनगर से। मोदीनगर से ही हो भैया? जो लॉकडाउन हुआ उस समय कैसे हालात रहे घर के? घर पे बढ़िया रहे या बाहर पे? बस जी हालात तो बाहर के बढ़िया होते हैं, घूमने के। घर पे तो कैदी हो गए थे। अच्छा, घर पे कैदी हो? तो यहाँ के जो लोग हैं भैया, उन्होंने साफ साफ बताइए, ज़्यादातर जो आज हैं ये मेरठ के आए हुए लोग हैं, और उन्होंने बताइए यहाँ दुकान के जो मालिक हैं उनसे ही पता कर ले, कब से दुकान चल रही है आपकी ये जी? मेरा जन्म यहीं का ही है। अच्छा, 1960 का मेरा जन्म है, और 1960 से हमारे माँ बाप कम से कम 10-15 साल पहले आ गए थे। तो ये कचौड़ी फेमस है यहाँ की? कचौड़ी फेमस है, पेड़ा फेमस है, और कलाकंद फेमस है। ये हमारी कचौड़ियों की मेन क्वालिटी है, जिसके लिए लोग गंगा जी पर आते हैं। सीताफल की सब्जी और कचौड़ी, ये उनका मेन यहाँ का व्यंजन है। यानी गंगा जी आओगे तो कचौड़ी खा के जाओगे? गंगा जी की कृपा है, जो भी आते हैं लोग कचौड़ी खा के जरूर जाते हैं। चलो हमें भी खिला देंगे कचौड़ी। बिल्कुल, आप बैठे यार खाइए। तो भैया ये है इनकी फेमस कचौड़ी, अगर आप साफ बात है हकी के अगर गंगा जी आओगे तो इनकी कचौड़ी जरूर खा के जाओगे, और हम भी खाएंगे अभी थोड़ी देर में, और तुम्हें भी खिलाएंगे। खैर, खाना उड़ाना, कढ़ाई में छलांग लगा रहे गरम तेल में डुबकी लगाती कचौड़ी, और हलवाई के काउंटर से बाहर झांकते पेड़ों को देखकर हमारे पेट में भी चूहों ने कबड्डी शुरू कर दी थी। कवरेज को साथ गए दो सहयोगियों ने भी शर्म से सर झुकाते हुए भूख से कोई समझौता न करने की सलाह दे डाली। कुल मिलाकर हमने भी रायता, सलाद और पेड़े के साथ पहले पेट पूजा की, और फिर टीम ने कुल्हड़ वाली चाय की ओर रुख कर लिया। भैया आप कचौड़ी खाने के बाद अब पहुंच गए हैं अब मशहूर कुल्हड़ पहलवान जी की चाय की दुकान पर। ब्रजघाट अगर आओगे तो कुल्हड़ वाली जो फेमस चाय, मशहूर चाय, या जरूर पी के जाओगे। देख लो कैसे बन रही है पहले तो। ये यहाँ पर कुट रही है अदरक, और यहाँ पर लौंग भी है, इलायची भी है, और यहाँ और क्या जी, दालचीनी भी है। बता दी, देख लो ये बन रही है चाय। क्या नाम है बताऊँ आपको? मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। प्रदीप नाम है। कब से दुकान चल रही है? दुकान का पहला दिन है 8 तारीख 9 महीने सन 1950। 1950 से यहीं पे गंगा जी भाई। इतनी पुरानी दुकान, पिताजी चलाते थे पहले? पहले नाना मामा, फिर पापा, और फिर अब हम चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी है, हिसाब लगा लो चौथी पीढ़ी यहाँ पे चाय बना रही है और गंगा जी की सेवा कर रही है। तुम भी गंगा जी आओगे तो यहाँ चाय पीनो, भूलियो मत बिल्कुल भी, क्योंकि 1950 की दुकान है यूँ, यानी देश आज़ाद हुए 1947 में, 3 साल बाद दुकान तैयारी। एक बार नाम देख लो, पहलवान जी की स्पेशल चाय है। और कोरोना में पूछे लें, कोरोना में कैसा हाल रहो, क्योंकि जब लॉकडाउन रहो जब क्या कैसे हालात रहे? फुल इंडिया बंद है भाई साहब। अच्छा, उसमें हालात तो नाजुक ही हैं, सब घर बैठ के खाना खाया। अब कैसे, उसके बाद जब लॉकडाउन खोलो फिर क्या हो? अब बस इतना है, 4 दिन में जो इकट्ठा हो रहा है, रविवार में और शनिवार में जो लॉकडाउन है उसमें खा जा। अच्छा, तो शनिवार जो रविवार है लॉकडाउन ना होना चाहिए यानी? हाँ जी, होना तो चाहिए ना भाई साहब, लेकिन बीमारी के मद्देनज़र अगर ऐसा है तो उसे स्वीकार कर रखा। लॉकडाउन में रह के घर क्या क्या काम करो आप? बीवी को भी चाय पिलाई जी आप बना के? घर पे कोई काम नहीं था, बस आपने पी चाय वहाँ पे तो? हम पीते नहीं। अच्छा, शर्मा रहे हो? ना शर्मा ना रहे, पीते ही ना। अच्छा, पीते नहीं हो। चलो, और जैसे और लोगों ने काम करे कोरोना काल में, किसी ने लॉकडाउन में खाना बनाया अपने घर वाली के लिए, समोसे बना रहा कोई, तो
कोई ऐसा काम भी करो? हाँ, बच्चों के लिए छोले भटूरे और टिक्की आलू की उन्हें बना के खिलाई। अच्छा, खुद ही बनाया है सब कुछ? हाँ। बच्चों को कैसे पसंद आए? हाँ, पसंद आए जी उन्हें। चलो बढ़िया बात है, एक बार देख लो भैया चाय को भी नजारो। अब फुल खत्म करिए एकदम चाय, और ऐसे ही बने यहाँ पे चाय। अब चाय पियेंगे एक एक चाय, हम यहाँ जितनी हमारी टीम आई है सब चाय पियेंगे, और आके बाद फिर आगे चलेंगे, आगे सफर कर तैयार रहेगा हमारा। टीम घाट की ओर बढ़ी तो उसकी मुलाकात एक ऐसे मल्ला से हो गई जो कब का शादी कर चुका होता अगर देश में लॉकडाउन ना हुआ होता। खैर, अब भाई साहब पहले बहन की शादी करेंगे बाद में अपनी, इसमें हम और आप यहाँ इनकी शादी की ईश्वर से यही कामना कर सकते हैं, वरना इसके अलावा चारा भी क्या है। तो भैया अब हम पहुँच गए गंगा के कतई बीच में, ये ब्रज घाट की गंगा जी है, और गंगा मैया के बिल्कुल बीचम बीच में हमारी जो भैया नाव है ये रुकी पड़ी है, और एक भैया ने ही रोक दी है, बोले भैया ही रुक जाओ, जब पैसा दे दोगे के बाद ही नाव यहाँ आगे जाएगी, अन्य ही रुकी रहेगी, अब पतो पड़ेगी, हम केस करेंगे, पतो कर ले हैं। क्या नाम भैया तुम्हारा? दीपक केवट। दीपक, क्या काम करो ये नाव? कोई काम नाव ही चलाते जी यहाँ गंगा जी में रात दिन। अच्छा, हाँ जी। और घर में कौन कौन है, क्या काम? घर में शादी है? शादी अभी नहीं हुई जी। अभी ना हुई है? सिस्टर की शादी करी है, बड़ी सिस्टर हमारी, एक मेरे से बड़ी, एक छोटी है, पहले उसकी शादी करेंगे फिर मेरी शादी है। अभी तो बहुत टाइम है नहीं? हाँ जी बहुत टाइम है अभी। और पढ़ाई करिएगा? पढ़ाई करी है इंटर तक। अब फिर आगे पढ़ने का? आगे पढ़ने की क्या, पापा के लिए पढ़ रहे हैं, कमाई के लिए, इस वजह से हम आगे मन की हम भी थोड़ी कमाई करें। अभी ये गंगा मैया दे दियो पूरा समय? हाँ जी, गंगा मैया को दे दिया पूरा समय, मन की गंगा मैया ही है मालिक हमारी। कोरोना में कैसे चल रहा हाल यहाँ को? कोरोना में जी बहुत भयंकर काम चल रहा है यहाँ पे, लॉकडाउन भी शनिवार इतवार का लॉकडाउन रहता है, पूरी मार्केट बंद, पूरा ब्रिज घाट बंद, नाव भी बंद, सब चीज़ बंद। कोई ना आवे शनिवार रविवार में? नहीं जी, नहीं पब्लिक तो आती है, पब्लिक तो मानती नहीं तुम्हें पता है। अच्छा, हाँ जी, पब्लिक मानती नहीं है, प्रशासन भी मना करता है काफ़ी, जल्दी से जल्द नहाएं, अपने घर पहुँचें, महामारी चल रही है इसी कोरोना महामारी से बचे, और अपने जल्दी से जल्दी गंगा जी में नहा के। कोरोना क्या जानो कोरोना का, तुम्हें पता होगी कोरोना क्या है? ये कोरोना अब हमें क्या पता जी, आप लोगों को पता होगा सब कुछ क्या है, हम तो सब अब महामारी से बचने के लिए ये सब प्रशासन का ही बात मानते हैं, हाँ ये मत ना करो, वो मत ना करो, तो सब प्रशासन के ऊपर ही है। क्या क्या कह प्रशासन जी, क्या कहते तो कुछ भी ना, बस मना ही करा है, ज़्यादा नाव मत चलाओ, ज़्यादा अंदर मत ले जाओ, बाढ़ में भी मना करी दरोगा जी ने, ज़्यादा अंदर मत ना लेके जाओ बोटे। अब हमें पार तो ले चलोगे कि पैसा ना तंगे ही रोक दोगे? अरे नहीं भैया, पैसों की तो गंगे भैया हमें तो खूब मौज कर रही है, पैसों की जरूरत ना ज़्यादा, आप लोगों के लिए तो सब चीज़ फ्री है। भैया ऐसा है, अगर आओ तो हमारे इन भैयन की जो बोट में ना आप जरूर बैठियो, क्योंकि यहाँ आओगे आप गंगा मैया में नहाओगे, उद्धार भी होगा तुम्हारा। और अब यहाँ पे पीछे की साइड देख लो, कतई बीचम बीच में पीछे की साइड वहाँ दिख रहे होगा, तो मैं देख ये पूरा का पूरा घाट है भैया, यहाँ से लेकर वहाँ तक घाट है। क्या नाम बताया भैया? दीपक केवट के जो है भैया ये नाव है, और दीपक की में यही हो, जरूर ध्यान करके। इसके बाद टीम की मुलाकात यहाँ के एक ऐसे मासूम गाइड से हो गई जिसकी अंग्रेजी सुनने के बाद भैया टीम का एक एक आदमी बमुश्किल बेहोश होने से बचा है। इतना ही नहीं, बालक का दावा है कि इसकी अंग्रेजी दुनिया घूमने निकलने वाले हर विदेशी के लिए भी कारगर है, जबकि बालक ने बताया कि घाट पर जब भी विदेशी मेहमान आते हैं तो उन्हें गाइड करने के लिए सबसे पहले बुलाया जाता है। खैर, किशोर की अंग्रेजी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना, और वीडियो को भी आगे बढ़ा देना, ताकि हम आपका हाल पूछने आ जाएं सीधे आपके पास। रोहित आ चला ला। रोहित ही पता करेंगे भैया। रोहित कितनी उम्र है? 11 साल। क्या काम कर रहे हैं? हम बोट चलाते हैं। बोट? हाँ जी। तो ये बोट चलावे है कैसे, घुमावे है? घुमाता फिरूं मैं ऐसी। सब बोटन में घूमे? हाँ जी। पढ़ाई भी कर रहे हैं? पढ़ाई करी है। अच्छा, 7th तक। 7th तक? हाँ। इंग्लिश भी आवे या नहीं? हाँ जी। और कोरोना में कैसे चल रहा काम यहाँ? कोरोना तो बहुत भयंकर ही है। भयंकर मतलब? मार डाला सबको इन्होंने कोरोना के चक्कर में। कौन मर गो? सब मर गई दुनिया।
दुनिया कहाँ मरी है यार। आधे लोग सबसे ज्यादा हिंदू में सब मर गए। मतलब हिंदू यार हिंदू मुसलमान देख रहा करो ना। हाँ अच्छा जी। हाँ जी। अरे कोरोना के बारे में बताई कैसे नहीं तुम्हें? कोरोना के बारे में आई रुके थे हम रात को रात दिन कोरोना के चक्कर में ना देखभाल करने के लिए। अच्छा ना कोई कोई सी बहने जाए उसके लिए चक्कर में हम रुके थे रात दिन। कोरोना में बह सके यूं? हाँ जी ना खोल देते हैं लोग बार रात के वाले आदमी खोलते हैं। हाँ इसलिए हम ना सही से बांध के जाते हैं लोग। अच्छा हम जी। अब आदमी कैसे आ रहे हैं कोरोना में? आदमी आ रहे हैं। लॉकडाउन हो लॉकडाउन में क्या कैसा हाल रहे हैं? लॉकडाउन में ऐसा हाँ पब्लिक रुक नहीं रही थी। हाँ परमिशन ले लेकर आ रही थी यहाँ पे अस्थियों वाले मान नहीं रही थी। पुलिस भी सत्ता ही बहुत कर रही थी। डंडा बजाया पुलिस? डंडा ने बहुत बहुत तगड़ा बजाया। बाजाओ तुम पे भी और। अच्छा हाँ जी। कितने लगे? हमें दो लगे। दो लगे। ये जो लॉकडाउन रहो हमें लॉकडाउन में कैसे मन लगो घर में? लॉकडाउन में ऐसे लग रहे थे हम कोई बस्ती में खेतों में। खेतों में? हाँ क्या करो? खेतों में चरी काट रहा हूँ जैसे कि तराती से। चरी काटी खाली? हाँ। और खेती बाड़ी करी हमने। अच्छा लॉकडाउन में पूरी सब कटाई करी। ढोरों को निहार दिया। हाँ। दूध निकाला। अच्छा लस्सी पी दही पी सब कुछ काम करा। सीधा खड़ा होके बात करो जी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ और पापा क्या करें? पापा फैक्ट्री में काम करते हैं दिल्ली में। अच्छा दिल्ली में? हाँ जी। यहाँ अकेला घर चलावे? हाँ जी। तीन भैया हम। सबसे बड़ा कौन है? राहुल घर पे गया वो भी नाव चलावे। हाँ जी। गंगा मैया कृपा बढ़िया? हाँ जी बढ़िया। मौज आ रही है? मौज आ रही है। गाना पाना आवे को सुना? नो गाना वाना ना आता। कौन सा डायलॉग आवे सुना? डायलॉग क्या हुआ है? गंगा मैया का आएगा डायलॉग। फिल्म भी देखे है? फिल्म ना देखते हम कोई सी। कोई सी भी ना? गंगा मैया की फिल्म देखा बस। बस गंगा मैया का ही को सुना दे। गंगा मैया क्या सुना? मैं भजन चल ही रहा गंगा मैया का। अच्छा हाँ जी। हाँ हावर यू देख लो। हावर यू भी जानना है तो यहाँ इतने अंदाजा लगा लो। आइयो जरूर यहाँ क्योंकि यहाँ बहुत लोग आम है। इंग्लिश में बात करो। अंग्रेज भी आम है क्या? अंग्रेज बहुत आम है। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। कैसे बातचीत हो? हम लोग बाग आते हैं जो हमारे वल्ला जो है थोड़े बहुत इंग्लिश जानते हैं वो बात कर लेते हैं। अच्छा तो तुम क्या करो उसमें? हम कह देते हैं बोट पे चलना बोटिंग। हाँ जी हाँ जी। अच्छा खाली बोटिंग और कोई ज्यादा बात नहीं? इससे समझ जाते हैं बोटिंग चलना हमें। अच्छा फिर ना और भी कुछ पूछे हैं वो पैसे वैसे कैसे? पैसे पूछते हैं बोट फोर फोर्सी। तो भैया ये है अंग्रेजन से बात कर लें या अपनी सिक्वेंस में? अब चलेंगे हमें आते बाहर और वहाँ के बाद आगे को और नज़ारा तुम्हें दिखाएंगे अभी कि कैसो हाल है कोरोना में। अब गंगा मैया के दर्शन करवा दिए। गंगा मैया में नहाने के भी चांस हैं अभी तो। घाट घाट का पानी देखते रहो टाइम 24 जो न्यूज है या लाइक करते रहो। फेसबुक पे हो तो और यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लो और भैया शेयर कर लो और बेल आइकन की जो घंटी है वहाँ दबा लो क्योंकि अभी तो हमें ये शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करना हो आगे। राम राम। Time 24 News, just past Sach Dikhane Ka.